हेलो बच्चों, वेलकम टू फीनिक्स एडू. दिस इज योर एसके मैम एंड इन टुडेज वीडियो वी आर गोइंग टू हैव अ वन शॉट रिवीजन ऑफ योर चैप्टर 3 व्हिच इज मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. ठीक है, तो चलो फटाफट से शुरू करते हैं. तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि आपके मेटल्स और नॉन मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ कैसे होती हैं. ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं लश्चर के बारे में. लश्चर का क्या मतलब होता है? लश्चर का मतलब होता है चमक, शाइनी सरफेस होना. तो हमको पता है कि जो मेटल्स होते हैं दे हैव अ शाइनी सरफेस, तो क्या बोलेंगे? दे आर लश्चरस. बट जो नॉन मेटल्स होते हैं वो क्या होते हैं बच्चों? नॉन लश्चरस होते हैं. ठीक है, बट इन फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में कई सारे एक्सेप्शंस भी होते हैं. वो एक्सेप्शंस आपको पता होने चाहिए. तो हमें पता है कि वैसे तो नॉन मेटल्स नॉन लश्चरस होते हैं, बट आयोडीन जो होता है उसका एक शाइनी सरफेस होता है. तो बीइंग अ नॉन मेटल इट इज़ लश्चरस. ठीक है, चलो नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं. नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हार्डनेस. ठीक है, तो वैसे तो मेटल्स जो होते हैं वो जनरली हार्ड सरफेसेस के होते हैं. ठीक है, बट इनका एक्सेप्शन क्या है? अगर आपको याद हो तो सोडियम, लिथियम एंड पोटेशियम, डिस्पाइट बीइंग मेटल दे आर सॉफ्ट. इतने सॉफ्ट होते हैं कि आप उनको कट भी कर सकते हो नाइफ से. ठीक है, सिमिलरली जो आपके नॉन मेटल्स होते हैं वो जनरली सॉफ्ट सर्फेसेस होते हैं. ठीक है, सॉफ्ट होते हैं. बट इनका एक्सेप्शन क्या है? इनका एक्सेप्शन आ जाता है डायमंड. ठीक है, डायमंड क्या होता है? डायमंड जो होता है वो कार्बन का एलोट्रॉप होता है. तो हुआ तो वो नॉन मेटल, बट डायमंड इज द हार्डेस्ट नेचुरली ऑब्टेन सर्फेस सब्सटेंस. ठीक है, तो डायमंड वैसे तो नॉन मेटल होता है, बट फिर भी वो हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है. ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो. नेक्स्ट होती है इनकी फिजिकल स्टेट के बारे में देख लेते हैं. तो वैसे तो जो मेटल्स होते हैं वो सॉलिड्स होते हैं, जनरली सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं. बट एक ऐसा मेटल होता है जो लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करता है. बताओ कौन सा होता है? मर्करी. ठीक है, मर्करी जो होता है वो लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करता है. मेटल होता है बट लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करता है. ठीक है, वैसे ही जो आपके नॉन मेटल्स होते हैं वो सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं या फिर गैसेस के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं. बट इनका एक्सेप्शन क्या आ जाता है बताओ? इनका एक्सेप्शन आ जाता है, जो आपके नॉन मेटल्स होते हैं वैसे तो ये सॉलिड्स और गैसेस में एग्जिस्ट करते हैं, पर आपका जो ब्रोमीन होता है ना, ब्रोमीन वो लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करता है. तो ब्रोमीन क्या बन जाएगा? एक्सेप्शन बन जाएगा. ठीक है, चलो नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी देखते हैं. नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी होती है मेलिएबिलिटी. मेलिएबिलिटी का मतलब होता है एबिलिटी टू बी ड्रॉन इनटू या फिर बीटन इनटू शीट्स. ठीक है, तो शीट्स में बीट कर सकते हैं. तो जो आपके मेटल्स होते हैं वो हाईली मेलिएबल होते हैं. ठीक है, जो आपके मेटल्स होते हैं वो हाईली मेलिएबल होते हैं, बट जो आपके नॉन मेटल्स होते हैं वो नॉन मेलिएबल होते हैं. नॉन मेटल्स को हम लोग शीट्स में बीट नहीं कर सकते हैं. ठीक है, चलो और प्रॉपर्टीज़ को एक बार देखते हैं फटाफट से. देखो डक्टिलिटी का मतलब क्या होता है? डक्टिलिटी का मतलब होता है एबिलिटी टू बी ड्रॉन इन टू थिन वायर्स. वायर्स में ड्रॉ करने की जो एबिलिटी होती है उसको बोलते हैं डक्टिलिटी. तो जो मेटल्स होते हैं, मेटल्स की वायर बनती है ना, कॉपर की वायर, सिल्वर की वायर, तो हम इन्हें क्या बोलते हैं? हम इन्हें डक्टाइल बोलते हैं. बट जो आपके नॉन मेटल्स होते हैं वो नॉन डक्टाइल होते हैं. नॉन मेटल्स को हम लोग वायर्स में ड्रॉ नहीं कर सकते हैं. ऑल राइट, चलो नेक्स्ट देखो. हीट कंडक्शन, कंडक्टर ऑफ हीट. तो हमको पता होता है कि जो आपके मेटल्स होते हैं दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट, गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट. बट इसमें एक्सेप्शन क्या होता है बताओ? एक्सेप्शन होता है इसमें एक तो लेड और दूसरा मर्करी.
ठीक है. तो लेड और मर्करी डिस्पाइट बीइंग मेटल्स दे आर बैड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. ठीक है, चलो. वैसे ही आपके जो नॉन मेटल्स होते हैं इनको क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं बैड कंडक्टर्स. ये हीट का कंडक्शन नहीं कर पाते हैं तो इनको बैड कंडक्टर ऑफ हीट बोलते हैं. ठीक है. अच्छा, बैड कंडक्टर्स के लिए एक और शब्द होता है इंसुलेटर. ठीक है, चलो. नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी कौन सी है, देखो, इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन. तो हमें पता है कि आपके जो मेटल्स होते हैं उनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, सो दे आर गुड कंडक्टर्स, गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, राइट. एंड नॉन मेटल्स जिनके पास कोई फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं होता, इनको क्या बोलेंगे, बैड कंडक्टर बोल दो या फिर इंसुलेटर बोल दो, एक ही बात है. ठीक है, बट आपको ये भी पता होना चाहिए कि एक नॉन मेटल होता है जो कि इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है. कौन सा होता है बताओ, ग्रेफाइट, राइट. ग्रेफाइट जो होता है, कार्बन का एलोट्रॉप, होता तो नॉन मेटल है बट इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है क्योंकि इसके मॉलिक्यूल, इसके स्ट्रक्चर में भी एक इलेक्ट्रॉन फ्री होता है. ठीक है, चलो लास्ट प्रॉपर्टी फटाफट से देख लेते हैं. लास्ट प्रॉपर्टी है सोनोरस. सोनोरस का मतलब होता है जब इन सब्सटेंसेस को हिट करते हैं तो एक स्ट्राइकिंग साउंड प्रोड्यूस होती है. सो वी नो दैट मेटल्स आर सोनोरस इन नेचर. इनको हिट करने पे एक स्ट्राइकिंग साउंड मिलती है, जबकि जो नॉन मेटल्स होते हैं वो कैसे होते हैं बच्चों, वो नॉन सोनोरस होते हैं. ठीक है, समझ में आया. तो हम लोगों ने वन बाय वन सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस किया है. इन फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को आपको पता होना चाहिए और इनके एक्सेप्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एक्सेप्शंस आपको पता होना चाहिए. ठीक है, चलो मूविंग ऑन. एक एक्सरसाइज का क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं इन्हीं फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे. तो पहले तो क्वेश्चन पढ़ लो, क्या लिखा है. यू आर गिवन अ हैमर, अ बैटरी, अ बल्ब, वायर्स एंड अ स्विच. How could you use them to distinguish between samples of metals and non-metals? Suppose करो आपके पास एक metal का sample है, suppose करो आपके पास एक iron का rod है और आपके पास एक non-metal का sample है, let us take wood. ठीक है, आपको इन दोनों को distinguish करना है इन substances को use करके, एक hammer को, बैटरी को, बल्ब को, वायर को और स्विच को. तो देखो, हैमर को देखो हम कैसे यूज कर सकते हैं. अगर हम हैमर से आयरन के रॉड को बीट करेंगे तो हम उसको थिन शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं. बट अगर हम वुड को हिट करते हैं हैमर से तो वो थिन शीट्स में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा. तो हम क्या बोल सकते हैं कि जो आयरन रॉड होगा, जो आयरन रॉड होगा वो मैलिएबल होगा. ऑन द अदर हैंड जो वुड होगा वो नॉन मैलिएबल होगा. ठीक है, कौन सी प्रॉपर्टी यूज की हमने, मैलिएबिलिटी यूज की है. ठीक है, दूसरा, अगर हम लोग बैटरी, बल्ब, स्विच और वायर्स, इनको यूज करके बताओ क्या कर सकते हैं. इनको यूज करके हम एक सर्किट बना सकते हैं, इलेक्ट्रिक सर्किट. चलो ड्रॉ करते हैं एक इलेक्ट्रिक सर्किट. सपोज करो मैंने एक वायर ली, एक स्विच लिया, बैटरी ली और मैंने यहाँ पे एक वुड के, वुड से इसको कनेक्ट कर दिया. ठीक है, एक बल्ब भी ड्रॉ कर लेते हैं. इधर मैंने एक बल्ब ड्रॉ कर लिया. ठीक है, तो जैसे ही हम स्विच को ऑन करेंगे, क्योंकि ये वुड है, ये एक गुड कंडक्टर नहीं है, तो ये बल्ब जो होगा, बल्ब डज नॉट ग्लो. ठीक है, अब एक और सर्किट ड्रॉ करते हैं. ठीक है,
here we have taken the iron rod. जब यहाँ पे स्विच को ऑन करेंगे तो जो बल्ब होगा, बल्ब ग्लोज. क्यों हो रहा है ऐसा? क्योंकि आयरन क्या है? आयरन मेटल है, आयरन रॉड मेटल है, तो वहाँ पे क्या होगा? इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन होगा, तो बल्ब ग्लो करेगा. ठीक है, तो इनकी दो प्रॉपर्टीज़, मैलियबिलिटी और इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्शन को यूज़ करके हमने एक आयरन रॉड और एक वुड को डिफ्रेंशिएट किया है. ठीक है, चलो देखो नेक्स्ट क्या कह रहा है. Assess the usefulness of these tests in distinguishing between the metals and the non-metals. क्या usefulness है? Usefulness यही है कि पहले में हमने malleability को use किया है और second वाले में हमने electricity के conduction को use किया है, ताकि हम एक metal और non-metal के sample को distinguish कर सकें. All right? चलो moving on. एक और question है, चलो देखते हैं फटाफट से. Give an example of a metal which is liquid at room temperature. जो हमने exception discuss किया था, जल्दी से बता दो कौन सा metal है जो कि room temperature पे liquid होता है. अभी हमने देखा था कि आपका जो mercury होता है, mercury room temperature पे क्या होता है बच्चों? Liquid होता है. ठीक है, चलो second वाला देखो. A metal which can be easily cut by knife. अभी देखा हमने sodium या फिर लीथियम या फिर पोटेशियम, इन तीनों में से कुछ भी लिख सकते हैं. ये जो मेटल्स होते हैं ये इतने सॉफ्ट होते हैं कि इनको हम लोग नाइफ से कट कर सकते हैं. ठीक है, विच इज़ द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट. वी नो दैट सिल्वर, सिल्वर इज़ अ बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट. ठीक है, नेक्स्ट आपका क्या है कि विच इज़ अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट. एक ऐसा मेटल जो पुअर कंडक्टर है, अभी हमने देखा कि आपका लेड या फिर मर्करी जो होता है वो पुअर कंडक्टर ऑफ हीट होता है. ठीक है, चलो मूविंग ऑन. अब ज़रा हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं. ठीक है, तो सबसे पहली केमिकल प्रॉपर्टी कौन सी है? रिएक्शन ऑफ मेटल विद एयर. ठीक है, तो एयर में क्या होता है? ऑक्सीजन गैस होता है. आपको पता है कि जो मेटल्स होते हैं वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके मेटल ऑक्साइड फॉर्म करते हैं, है ना, मेटल ऑक्साइड फॉर्म करते हैं. सपोज करो मेरे पास सोडियम है, तो सोडियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके सोडियम ऑक्साइड फॉर्म करते हैं. ठीक है, चलो तो हमने जैसे देखा कि आपके जो मेटल्स होते हैं वो ऑक्सीजन गैस के साथ मेटल ऑक्साइड्स फॉर्म करते हैं, बट मेटल्स की रिएक्टिविटी डिफरेंट होती है, राइट? तो डिफरेंट डिफरेंट मेटल्स की जो रिएक्टिविटी होती है उनके बेसिस पे डिफरेंट टाइप की रिएक्शन वो शो करते हैं ऑक्सीजन के साथ. तो सबसे पहले आपके जो सोडियम और पोटेशियम होते हैं ना, दे आर वेरी हाईली रिएक्टिव मेटल. क्या बोल सकते हैं? दे आर हाईली रिएक्टिव मेटल, जिसके कारण दे रिएक्ट वेरी विगरसली विद ऑक्सीजन. इतनी ज़्यादा वायलेंट रिएक्शन होती है दैट इट कैचेस फायर. क्या बोलेंगे? इट कैचेस फायर. एक बार रिएक्शन देख लेते हैं. तो सोडियम को जब O2 के साथ रिएक्ट कराते हैं तो Na2 सोडियम ऑक्साइड फॉर्म करता है. ठीक है, सबसे पहले बैलेंस कर लेते हैं रिएक्शन को. ठीक है, तो चार ये हो जाएगा, चार दो और दो. ठीक है, तो ये आपकी रिएक्शन होती है, बट इस रिएक्शन में इतना ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी रिलीज होती है कि इट कैचेस फायर. इसीलिए जो आपके सोडियम और पोटेशियम जैसे मेटल्स हैं दे आर स्टोर्ड इन केरोसिन ऑयल, केरोसिन ऑयल. ठीक है, चलो मूविंग ऑन. मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक एंड पीबी, ये भी रिएक्टिव होते हैं पर इतने ज़्यादा रिएक्टिव नहीं होते. तो क्या बोलेंगे? दीज आर मॉडरेटली रिएक्टिव. ठीक है, दूसरा इनकी जो रिएक्शन होती है, तो जो मेटल ऑक्साइड होता है ना वो इनके सरफेस के ऊपर आ जाता है, तो क्या बोलेंगे? फॉर्म्स अ मेटल ऑक्साइड सरफेस ऑन देम, मेटल ऑक्साइड लेयर ऑन द सरफेस, लेयर ऑन द सरफेस. एक बार रिएक्शन देख लेते हैं. तो मैग्नीशियम के अगर हम O2 के साथ रिएक्शन कराते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म होता है.
ठीक है, और ये जो मैग्नीशियम ऑक्साइड की जो लेयर है वो मैग्नीशियम मेटल के सरफेस पे फॉर्म हो जाती है, ठीक है। अच्छा, कॉपर जो होता है वो उतना ज़्यादा रिएक्टिव नहीं होता, तो क्या बोलेंगे, लेस रिएक्टिव। इसीलिए जब इसकी रिएक्शन करानी होती है तो हमको हीट करना होता है, ठीक है। तो कॉपर की जब O2 के साथ रिएक्शन कराते हैं तो हीट करने पे कॉपर ऑक्साइड फॉर्म होता है, ठीक है। हीट करने पे कॉपर ऑक्साइड फॉर्म होता है। अभी कॉपर ऑक्साइड जो होता है ये ब्लैक कलर का होता है, तो क्या बोलेंगे, इट फॉर्म्स अ ब्लैक ऑक्साइड। लास्ट में आपके जैसे गोल्ड हो गया और सिल्वर हो गया, ये नॉन रिएक्टिव होते हैं, ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट ही नहीं करते, तो क्या बोलेंगे, इनकी कोई रिएक्शन नहीं होती है, तो इन्हें क्या बोलते हैं, दे आर नॉन रिएक्टिव टूवर्ड्स ऑक्सीजन, दे डू नॉट रिएक्ट विद ऑक्सीजन। इसलिए आपके जितने भी ज्वेलरी और जो ऑर्नामेंट्स होते हैं वो गोल्ड और सिल्वर के बनते हैं, क्योंकि इनकी रिएक्टिविटी ज़ीरो होती है टूवर्ड्स ऑक्सीजन, ठीक है। चलो मूविंग ऑन, अच्छा लेट्स स्टडी अबाउट दी एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। एम्फोटेरिक का मतलब क्या होता है, देखो कुछ ऐसे मेटल ऑक्साइड्स होते हैं जो एसिडिक इन नेचर भी होते हैं, बेसिक मतलब कि वो एसिड के साथ भी रिएक्ट करते हैं और वो बेस के साथ भी रिएक्ट करते हैं। ऐसे मेटल ऑक्साइड्स को क्या बोलते हैं बच्चों, ऐसे मेटल ऑक्साइड्स को बोलते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। इनके दो आप एग्जाम्पल्स याद रखना, एक तो आपका होता है एल्यूमिनियम ऑक्साइड और दूसरा होता है जिंक ऑक्साइड, ठीक है। तो जिंक ऑक्साइड और एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो होता है वो एम्फोटेरिक इन नेचर होता है, दे रिएक्ट विद बोथ एसिड एंड दे रिएक्ट विद द बेस, ठीक है। चलो नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं हम लोग, रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद वाटर, ठीक है। तो जनरली जो मेटल होता है वो वाटर के साथ रिएक्ट करके मेटल ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करता है, और मेटल ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करके मेटल हाइड्रोक्साइड प्रोड्यूस करता है। बट अगेन डिपेंडिंग अपॉन द रिएक्टिविटी, ये जो मेटल के जो आपके ऑक्साइड्स होते हैं, जो मेटल्स की रिएक्टिविटी होती है वो डिफरेंट होती है। तो वन बाय वन हम लोग पहले देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो आपके सोडियम और पोटेशियम जैसे मेटल्स हो गए, ठीक है, सोडियम और पोटेशियम जो कि हम क्या बोल सकते हैं, हाईली रिएक्टिव मेटल्स। तो सोडियम की जब वाटर के साथ रिएक्शन कराते हैं ना, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है और H2 गैस रिलीज होती है, ठीक है। बट अगेन सोडियम क्योंकि बहुत ज़्यादा हाईली रिएक्टिव होता है, तो अगेन दिस रिएक्शन इज़ अ वेरी विगरस रिएक्शन, और इस रिएक्शन में भी आग लग जाती है, तो क्या बोलेंगे, इट इज़ अ वेरी वायलेंट और विगरस रिएक्शन। इट कैचेज फायर। और तीसरा हम ये बोल सकते हैं कि इतनी ज़्यादा रिएक्टिविटी होती है ना कि इट रिएक्ट्स विद कोल्ड वाटर टू, रिएक्ट्स ईजली विद कोल्ड वाटर, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट आते हैं कैल्शियम। तो कैल्शियम की जो वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं, कैल्शियम की रिएक्टिविटी थोड़ी सी कम होती है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म होता है और हाइड्रोजन गैस बनती है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इसमें भी दिस इज अ मॉडरेटली रिएक्टिव, अगेन रिएक्ट्स विद कोल्ड वाटर बट आग नहीं लगती है, ठीक है, does not catch fire, ठीक है। क्योंकि कैल्शियम की जो रिएक्टिविटी होती है वो सोडियम पोटेशियम के कंपैरिजन में थोड़ी कम होती है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग, जैसे आपके मैग्नीशियम हो गया, मैग्नीशियम जो होता है वो इससे थोड़ा और कम रिएक्टिव होता है। तो भाई मैग्नीशियम की जब वाटर के साथ रिएक्शन कराते हैं तो वो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म करता है
और H2 गैस प्रोड्यूस करता है, ठीक है, H2 गैस। इसकी रिएक्टिविटी और कम होती है तो यहाँ पे हम लोग हॉट वाटर लेते हैं, ठीक है, रिएक्ट्स विद हॉट वाटर, ठीक है। चलो नेक्स्ट सेट ऑफ मेटल्स हैं आपके, जिंक, आयरन और एल्यूमिनियम। ये जो मेटल्स होते हैं ना, जिंक, एल्यूमिनियम और आयरन, ये मैग्नीशियम से भी थोड़े और कम रिएक्टिव होते हैं, ठीक है। तो इनके केस में दे रिएक्ट विद स्टीम, दे रिएक्ट विद स्टीम। हम लोग वाटर लेते हैं इन गैशियस स्टेट, ठीक है, गैशियस स्टेट में वाटर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि इनकी रिएक्टिविटी बहुत कम होती है। तो सपोज करो मैंने यहाँ पे आयरन की रिएक्शन कराई वाटर इन गैशियस स्टेट, यहाँ पे आयरन ऑक्साइड फॉर्म होता है और H2 गैस रिलीज होती है। आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि जब भी मेटल की रिएक्शन स्टीम के साथ होगी तो उस केस में मेटल ऑक्साइड बनता है, हाइड्रोक्साइड नहीं बनता। देखो अभी लास्ट तक हम लोग क्या पढ़ रहे थे कि हर केस में हाइड्रोक्साइड्स बन रहे थे, ठीक है, बट जब हम वाटर इन गैशियस स्टेट लेते हैं ना, जब हम स्टीम के साथ रिएक्शन कराते हैं तो उस केस में क्या बनता है, मेटल ऑक्साइड फॉर्म होता है, ठीक है। चलो उसके बाद नेक्स्ट आपके AG, AU और PT, ये बहुत ही कम, मतलब नॉन रिएक्टिव होते हैं, ठीक है, नॉन रिएक्टिव होते हैं, ये वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं, नॉन रिएक्टिव टुवर्ड्स वाटर, ठीक है। सो दीज वर द केमिकल रिएक्शंस ऑफ डिफरेंट मेटल्स विद वाटर इन डिफरेंट स्टेट्स, ठीक है। तो बेसिकली आपको ये ध्यान रखना है, जैसे जैसे मेटल्स की रिएक्टिविटी कम होगी ना, वाटर को हम लोगों को गैशियस स्टेट या फिर हम लोग को हॉट वाटर यूज़ करना पड़ेगा। जो हाईली रिएक्टिव मेटल होगा, जैसे हमने देखा अभी सोडियम पोटेशियम, तो वो इतने ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं कि वो कोल्ड वाटर के साथ भी रिएक्शन कर लेते हैं। पर जैसे जैसे रिएक्टिविटी कम होती है, वी हैव टू टेक द वाटर इन गैशियस स्टेट और हॉट वाटर, ठीक है। चलो मूविंग ऑन टूवर्ड्स द नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट है आपका रिएक्शन ऑफ मेटल विद एसिड्स। जब डाइल्यूट एसिड्स के साथ रिएक्शन कराते हैं मेटल्स की, तो उस केस में क्या होता है, उस केस में सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है। सपोज करो आपने अगर आयरन लिया, आयरन की रिएक्शन कराई अगर आपने HCl के साथ, तो यहाँ पे एक आयरन का सॉल्ट फॉर्म होगा और H2 गैस प्रोड्यूस होगी, ठीक है। आपको ध्यान क्या रखना है कि कॉपर, Ag और Hg, ये जो लीस्ट रिएक्टिव या फिर नॉन रिएक्टिव मेटल्स होते हैं, ये एसिड्स के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं, ठीक है। चलो ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद सॉल्यूशंस ऑफ अदर मेटल सॉल्ट। देखो क्या होता है, जब भी हम किसी मेटल को किसी दूसरे मेटल के सॉल्ट सॉल्यूशन में ऐड करते हैं, तो उस केस में क्या होता है, वो जो मेटल होता है वो उस सॉल्ट सॉल्यूशन वाले मेटल को रिप्लेस कर देता है, डिस्प्लेस कर देता है। इस टाइप की रिएक्शन को बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सो सच रिएक्शंस इन विच द रिएक्टिव मेटल, जो ज़्यादा रिएक्टिव मेटल होता है, वो लेस रिएक्टिव मेटल को उसके सॉल्ट सॉल्यूशन से रिप्लेस कर देता है, निकाल के अलग कर देता है, ठीक है। उस रिएक्शन को क्या बोलते हैं बच्चों? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सपोज करो आपके पास एक कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है, एक्वस सॉल्यूशन है, आपने उसमें आयरन का एक नेल डाल दिया। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हमने एक कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में एक आयरन नेल को इमर्स कर दिया, ठीक है। सो स्लोली व्हाट यू विल ऑब्जर्व कि यहाँ पे जो सॉल्यूशन होगा ना, वो FeSO4 का हो जाएगा और
जो कॉपर होगा वो डिपॉजिट हो जाएगा आयरन पे. तो यहाँ पे बेसिकली हुआ क्या है, जो सल्यूशन है कॉपर सल्फेट का, इट हैज़ टर्न इनटू द सल्यूशन ऑफ आयरन सल्फेट. सच रिएक्शंस आर नोन एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जहाँ पे एक हाईली रिएक्टिव मेटल जो होता है वो लेस रिएक्टिव मेटल को रिप्लेस कर देता है उसके ही सॉल्ट सल्यूशन से. अब इसका अगर हम उल्टा करें ना, मतलब सपोज करो अगर मैंने FeSO4 का सल्यूशन लिया और उसमें अगर मैंने कॉपर का कोई वायर डाल दिया तो वहाँ पे ये रिएक्शन नहीं होगी. क्यों? क्योंकि जो कॉपर है वो लेस रिएक्टिव है Fe से. सो हाईली रिएक्टिव जो होता है वो रिप्लेस करता है, लो लेस रिएक्टिव मेटल रिप्लेस नहीं करता है. ठीक है, चलो. तो अब नेक्स्ट सवाल ये उठता है कि भाई हमें कैसे पता कौन सा सब्सटेंस ज़्यादा रिएक्टिव है, कौन सा मेटल की कितनी रिएक्टिविटी है ना. तो क्या करते हैं हम लोग, मेटल्स को उनके रिएक्टिविटी के ऑर्डर में, उनके डिक्रीजिंग ऑर्डर में हम उन्हें अरेंज कर देते हैं. ऐसी सीरीज़ को, ऐसी लिस्ट को क्या बोलते हैं हम लोग, ऐसी सीरीज़ को बोलते हैं रिएक्टिविटी सीरीज़. तो ये सीरीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है. ये आपको याद होनी चाहिए कि कौन सा मेटल किसको किस में से रिप्लेस करेगा, ठीक है. तो इसको याद करने के लिए ना एक छोटा सा शॉर्ट ट्रिक मैं आपको बताऊंगी, आप उससे याद कर सकते हो कि जो मेटल्स हैं उनकी रिएक्टिविटी क्या है, ठीक है. तो आपको लिखना है सबसे पहले, प्लीज़ स्टॉप कॉलिंग मी अ zebra instead learn how copper and mercury save gold. देखो क्या मतलब है इसका, इसका मतलब ये है, प्लीज का मतलब हो गया पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मी से मैग्नीशियम, अ से एल्यूमिनियम, ज़ीब्रा से आप जिंक समझ लो, ठीक है. इंस्टेड से लिख लो आयरन, लर्न से लिख लो लेड, उसके बाद हाउ से लिख लो आप हाइड्रोजन, कॉपर, कॉपर एंड से कॉपर लिख लो सिर्फ, ठीक है. मर्करी से मर्करी, सेव से सिल्वर और गोल्ड से गोल्ड, ठीक है. सो पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, फिर हाइड्रोजन, कॉपर, मर्करी, सिल्वर, गोल्ड. तो जैसे जैसे हम लिस्ट में नीचे जाएंगे आपकी जो रिएक्टिविटी होगी वो डिक्रीज करती जाएगी, ठीक है. तो ये जो रिएक्टिविटी सीरीज है ये आपको पता होनी चाहिए, आप इसको ऐसे इस निमोनिक से या फिर इस शॉर्ट ट्रिक से आप इसको याद रख सकते हो, ठीक है. ऑलराइट, ठीक है. तो एक क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, इस रिएक्टिविटी से. पहले क्वेश्चन पढ़ो क्या लिखा है. Metallic oxides of zinc, magnesium and copper were heated with the following metals. In which cases will you find displacement reaction taking place? तो आपको सिंपल सा ये रिएक्शन, ये लॉजिक इस्तेमाल करना है कि जो मोर रिएक्टिव मेटल होगा, मोर रिएक्टिव मेटल, वो लेस रिएक्टिव को रिप्लेस कर देगा, रिप्लेस लेस रिएक्टिव मेटल, राइट. तो अगर हम इन तीनों मेटल्स की बात करें तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन सा होता है, मैग्नीशियम होता है, फिर जिंक होता है, फिर कॉपर होता है, ठीक है. तो जिंक ऑक्साइड में जिंक तो ऐड नहीं करेंगे, अगर जिंक ऑक्साइड में मैग्नीशियम ऐड करते हैं तो वो इसको रिप्लेस कर देगा, ठीक है. और जिंक ऑक्साइड में अगर हम कॉपर ऐड करेंगे तो कॉपर भी नहीं करेगा. क्यों? क्योंकि जिंक ऑक्साइड में जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर. मैग्नीशियम मोर रिएक्टिव है तो वो जिंक से रिप्लेस करेगा, बट कॉपर लेस रिएक्टिव है तो वो जिंक ऑक्साइड को रिप्लेस नहीं कर पाएगा. यहाँ पे क्रॉस लगा देंगे, ठीक है. चलो,
अभी मैग्नीशियम ऑक्साइड में जिंक ऐड करेंगे, जिंक भी लेस रिएक्टिव है तो ये नहीं करेगा, मैग्नीशियम तो नहीं करेगा और कॉपर भी नहीं करेगा, ठीक है। कॉपर ऑक्साइड में अगर हम जिंक ऐड करते हैं तो जिंक क्या है, देखो जिंक ज़्यादा रिएक्टिव है ना कॉपर से, तो वो इसको रिप्लेस कर लेगा, ठीक है। कॉपर ऑक्साइड में अगर हम मैग्नीशियम ऐड करेंगे तो मैग्नीशियम भी ज़्यादा रिएक्टिव है तो वो इसको रिप्लेस कर देगा, और कॉपर में तो कॉपर ऐड नहीं करेंगे, ठीक है। समझ में आया? तो आपको सिंपल ये याद रखना है कि जिसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी वो लेस रिएक्टिव को उसके सॉल्ट से रिप्लेस कर देगा, ठीक है। और वो रिएक्टिविटी आपको कैसे, इससे याद करनी है, ठीक है। ऑल राइट, मूविंग ऑन, द नेक्स्ट टॉपिक इज रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद नॉन मेटल्स। अगर हम किसी मेटल और किसी नॉन मेटल की रिएक्शन कराते हैं तो देखो क्या होता है। सपोज करो मेरे पास सोडियम का एक एटम है। अब आपको पता है सोडियम क्या है, मेटल है। तो सोडियम के आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। और हर एक एटम जो होता है उसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना होता है टू गेन स्टेबिलिटी। तो ये क्या बोलेगा, ये इस इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर देगा। तो जैसे ही वो ये एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा तो सोडियम के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज आएगा, ठीक है। जैसे ही सोडियम पे पॉजिटिव चार्ज आए, यहाँ पे सोडियम का कैटायन फॉर्मेशन हो गया, ठीक है। चलो अभी आ जाओ Cl पे। Cl के आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अगर वो एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है तो वहाँ पे इसकी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगी, और जैसे ही वो एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा इसके ऊपर एक नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। तो इस नेगेटिव चार्ज को क्या बोलेंगे, एनायन बोलेंगे। अब ये पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज के बीच में कैसे फोर्सेस लगेंगे, अट्रैक्टिव फोर्सेस लगेंगे। तो ये जो अट्रैक्टिव फोर्सेस लग रहे हैं ना, इस अट्रैक्टिव फोर्सेस कारण ये जो कंपाउंड बना है उसको क्या बोलेंगे हम लोग, आयनिक कंपाउंड बोलेंगे। आयनिक कंपाउंड तो बेसिकली क्या होता है, जब भी एक पॉजिटिवली चार्ज स्पीशी और एक नेगेटिवली चार्ज स्पीशी के बीच में जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन लगते हैं उससे जो कंपाउंड्स बोलते हैं उसको हम लोग आयनिक कंपाउंड बोलते हैं। फॉर एग्जांपल NaCl, या फिर फॉर एग्जांपल MgCl2, ठीक है। चलो अब देखो ये जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं इनकी प्रॉपर्टीज़ और इनका डेफिनेशन एक बार देख लेते हैं। तो क्या बोला, जहाँ पे ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, जहाँ पे पॉजिटिव चार्जेस और नेगेटिव चार्जेस के बीच में जो ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है उससे जो कंपाउंड्स बनते हैं उनको क्या बोलते हैं भाई, आयनिक कंपाउंड बोलते हैं। तो इन आयनिक कंपाउंड्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, फर्स्ट लेट अस स्टडी अबाउट दैम। तो भाई जो फिज़िकल नेचर होता है, क्योंकि ये जो आयनिक फोर्सेस होते हैं वो स्ट्रॉन्ग फोर्सेस होते हैं, तो जो फिज़िकल नेचर होता है ये जनरली सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। और क्योंकि ये बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्सेस होते हैं तो इनकी मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट दोनों ही हाई होते हैं। तो क्या बोलेंगे, दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड हाई बॉइलिंग पॉइंट। ऑल राइट, बिकॉज ऑफ दीज स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। सॉल्युबिलिटी की अगर हम बात करें, क्योंकि इनमें आयंस प्रेजेंट होते हैं ना, सो दे आर सॉल्युबल इन वाटर, सॉल्युबल इन वाटर बट इनसॉल्युबल इन पेट्रोल, या फिर हम बोल सकते हैं केरोसिन, राइट। केरोसिन जो आपके ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स होते हैं उनमें ये इनसॉल्युबल होते हैं, बट जो पोलर सॉल्वेंट होते हैं उनमें ये सॉल्युबल होते हैं, ठीक है। चलो अब पहले ये क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, व्हाई डू द आयनिक कंपाउंड्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट्स। बताओ, जो अभी हमने बोला कि भाई जो आपके आयनिक कंपाउंड्स होते हैं दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं दे हैव स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। तो हम क्या लिख सकते हैं कि आयनिक कंपाउंड्स हैव स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, सो दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट, है ना भाई।
जब उनके बीच में स्ट्रांग फोर्सेस होंगे तो उन फोर्सेस को ब्रेक करने के लिए ज़्यादा एनर्जी देने पड़ेगी, तो इसलिए उनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो बहुत हाई होता है। ठीक है, चल एक लास्ट फिजिकल प्रॉपर्टी, एक लास्ट प्रॉपर्टी क्या होती है कि भाई जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्या लिखेंगे? दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बट इसमें एक कैच है, इसमें कैच क्या है कि दे ओनली कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टन स्टेट, मोल्टन स्टेट एंड सॉल्यूशन। मतलब ये हो जाता है कि अगर सपोज करो मेरे पास NaCl का सॉलिड है, मेरे पास NaCl सॉलिड स्टेट में, तो उस स्टेट में ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है, क्योंकि जो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन हो रहा है इट इज़ बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द आयंस। जब आयंस मूव करते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है, बट जब NaCl सॉलिड स्टेट में होता है तो उनके बीच में बॉन्ड्स सॉलिड बॉन्ड स्ट्रॉन्ग जो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स होते हैं और वो सॉलिड स्टेट में मूव नहीं करते, तो जब वो मूव नहीं करेंगे तो वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन नहीं होता है। लेकिन अगर आप NaCl का एक्वस सॉल्यूशन ले लेते हो तो उस केस में कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी को। जैसे देखो इस एक्सपेरिमेंट में हमने सॉल्ट सॉल्यूशन लिया है ना, तो सॉल्ट सॉल्यूशन में यहाँ पे बल्ब ग्लो होगा, यहाँ पे कंडक्शन होगा, बट अगर हम सॉलिड ले लेते तो वहाँ पे कंडक्शन नहीं होता। ठीक है, तो ओनली मोल्टन स्टेट में और सॉल्यूशन स्टेट में ये कंडक्ट करते हैं, सॉलिड स्टेट में कंडक्ट नहीं करते हैं। ऑल राइट, मूविंग ऑन, अब हम लोग को जो लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का वहाँ पे आ गए कि एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स या फिर मेटल्स को प्यूरीफाई कैसे करते हैं। ठीक है, इनको ऑब्टेन कैसे करते हैं, तो सबसे पहले हमको पढ़ना पड़ेगा कि भाई मेटल्स अकर कैसे करते हैं, हाउ डू दे एग्जिस्ट इन नेचर। तो दो चीज़ें होती है, एक होता है मिनरल, एक होता है ओर। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि भाई मिनरल और ओर में डिफरेंस क्या होता है। सो हम क्या बोलेंगे कि मिनरल्स क्या होते हैं, वो कंपाउंड्स which occur naturally on the earth surface। तो मिनरल ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो naturally earth के surface में present होते हैं। और क्या होता है, और जो होता है वो specific type के metal में concentrated होता है। मतलब कि those minerals which have a high percentage of a certain metal। ठीक है, तो ओर्स क्या होते हैं, ऐसे ओर्स कह रही हूँ, मिनरल्स क्या होते हैं, ऐसे कंपाउंड्स जो अर्थ के सरफेस पे नेचुरली प्रेजेंट होते हैं। और ओर्स वो मिनरल्स होते हैं जो स्पेसिफिक टाइप के मेटल में, लेट्स से आयरन में या फिर जिंक में, ज़्यादा परसेंटेज में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, चलो अब देखो, डिपेंडिंग अपॉन द रिएक्टिविटी इन मेटल्स को ऑब्टेन करने की या फिर एक्सट्रैक्ट करने की जो प्रोसेस होते हैं वो भी डिफरेंट होते हैं। जैसे देखो, ये जो आपके सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड एल्यूमिनियम, ये सारे आपके हाईली रिएक्टिव मेटल्स हैं, तो इनको हम इलेक्ट्रोलिसिस से ऑब्टेन कर सकते हैं, जिनकी हाई रिएक्टिविटी होती है। ठीक है, इनको हम लोग डायरेक्टली इलेक्ट्रोलिसिस करके ऑब्टेन कर सकते हैं, एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। बट जो आपके ये जिंक, आयरन, लेड और कॉपर जो मॉडरेटली रिएक्टिव होते हैं, इनके लिए हम लोग रिडक्शन प्रोसेस यूज़ करते हैं। और जो आपके लीस्ट रिएक्टिव या फिर नॉन रिएक्टिव मेटल, जैसे गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, ये अपने नेटिव स्टेट में ही फाउंड होते हैं। ठीक है, ये कंपाउंड्स फॉर्म नहीं करते, ये अपने नेटिव स्टेट में ही फॉर्म होते हैं, तो इनको एक्सट्रैक्ट करने की जरूरत नहीं, इनको सिर्फ प्योरीफाई करने की जरूरत पड़ती है। ठीक है, सो लेट अस स्टडी अबाउट देम इन डिटेल। तो देखो, सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि जो ओर होता है ना, सबसे पहला प्रोसेस होता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर। देखो, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर, इसका क्या मतलब हुआ,
तो अभी वो अर्थ सरफेस पे अगर नेचुरली प्रेजेंट है तो उसके साथ बहुत सारे इम्प्योरिटीज़ भी प्रेजेंट होंगी. अब जो ओर है उसके साथ सपोज करो सैंड हो गया, सॉइल हो गया, या फिर डर्ट हो गया, या फिर एनिमल फीसीज हो गया, ठीक है. तो जिस प्रोसेस से हम इन सारे अनवांटेड सब्सटेंसेस को, इन इम्प्योरिटीज़ को रिमूव करते हैं, उसको बोलते हैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर. और इन इम्प्योर पार्टिकल्स को क्या बोलते हैं? गैंग पार्टिकल्स बोलते हैं, ठीक है. गैंग पार्टिकल्स बोलते हैं. क्या होते हैं गैंग पार्टिकल्स? सॉइल, सैंड, डर्ट, या फिर सपोज करो एनिमल फीसीज. एनिमल फीसीज. तो जिस प्रोसेस से हम इन गैंग पार्टिकल्स को रिमूव करते हैं उसको बोलते हैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर्स, ठीक है. तो अगर मेटल हाई रिएक्टिविटी का है तो उसका हम इलेक्ट्रोलिसिस कर देते हैं, है ना. अगर मेटल हाई रिएक्टिविटी का है सो वी परफॉर्म इलेक्ट्रोलिसिस, उसके बाद हमें प्योर मेटल मिल जाता है. अगर वो मीडियम रिएक्टिविटी का होता है तो या तो वो कार्बोनेट के फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा या तो वो सल्फाइड के फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा. अगर तो मेटल कार्बोनेट के फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है तो उसमें हम कैल्सिनेशन परफॉर्म करते हैं. अगर सल्फाइड के फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है तो उस केस में हम रोस्टिंग परफॉर्म करते हैं. इन दोनों ही प्रोसेसेस से हमको मेटल का ऑक्साइड मिलता है, ठीक है. मेटल का ऑक्साइड मिलता है और मेटल के ऑक्साइड को फर्दर रिड्यूस करके हम मेटल को लास्ट में प्यूरिफाई कर लेते हैं, ठीक है. तो जो ये अभी सल्फाइड से किया ना, सेम करते हैं हम लो रिएक्टिविटी वाले में. वहाँ पे भी वो सल्फाइड के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं. फर्स्ट रोस्टिंग होती है, फिर उसके बाद मेटल की रिफाइनिंग होती है, ठीक है. सो वन बाय वन हम लोग पहले ये देख लेते हैं. ऑल राइट, तो सबसे पहले देख लेते हैं ये जो इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, भाई गैंग पार्टिकल्स का क्या मतलब होता है. तो हम कह सकते हैं कि द अनवांटेड इम्प्योरिटीज सच एज सैंड, सॉइल प्रेजेंट इन द ओर, है ना. क्या बोलते हैं उनको? गैंग पार्टिकल्स बोलते हैं. रोस्टिंग क्या होता है? अभी देखो लास्ट स्लाइड में क्या देखा हमने. रोस्टिंग क्या होता है? सल्फाइड ओर से ऑक्साइड प्रोड्यूस करने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं? रोस्टिंग बोलते हैं, ठीक है. तो हम क्या लिख सकते हैं? रोस्टिंग इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ सल्फाइड ओर इंटू मेटल ऑक्साइड. अब ये जो प्रोसेस होता है ये एक्सेस ऑफ एयर में होता है, तो वो चीज़ हमें मेंशन करनी है कि भाई रोस्टिंग में क्या होता है, एक्सेस अमाउंट में एयर यूज़ करते हैं. सो व्हाट विल से द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ सल्फाइड ओर इंटू मेटल ऑक्साइड इन एक्सेस ऑफ एयर, ठीक है. देखो मेरे पास जिंक सल्फाइड था, उसकी रिएक्शन कराई ऑक्सीजन के साथ तो हमारे पास जिंक ऑक्साइड मिल गया है, ठीक है. इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? इस प्रोसेस को बोलेंगे रोस्टिंग. ऑल राइट, चलो नेक्स्ट देखो. नेक्स्ट क्या होता है भाई? कैल्सिनेशन. तो अभी हमने देखा भाई अगर सल्फाइड होता है तो रोस्टिंग करते हैं, अगर कार्बोनेट और होता है, देखो क्या देखा था हमने, अगर कार्बोनेट और होता है तो उस केस में कैल्सिनेशन करते हैं, ठीक है. तो क्या बोलेंगे कि कैल्सिनेशन इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ कार्बोनेट और इनटू मेटल ऑक्साइड इन द लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर. देखो ये क्या बात है, रोस्टिंग जो होता है वो एक्सेस अमाउंट ऑफ एयर में होता है, बट कैल्सिनेशन जो होता है वो लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर में होता है. क्या करते हैं हम लोग?
कार्बोनेट ओर को ऑक्साइड में कन्वर्ट करते हैं इन लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर. इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं बच्चों? कैल्सिनेशन बोलते हैं. अच्छा, एक आपके दिमाग में सवाल आ रहा हो कि भाई हम लोग ऑक्साइड में क्यों कन्वर्ट, व्हाट इज़ द पर्पस? तो होता क्या है ना कि ऑक्साइड से मेटल को रिड्यूस करना आसान होता है एज़ कम्पेयर टू कार्बोनेट या फिर सल्फाइड. इसीलिए जो भी रोस्टिंग या कैल्सिनेशन से आर पर्पस इज़ टू ऑब्टेन ऑक्साइड, क्योंकि ऑक्साइड से जो रिडक्शन होता है वो ज़्यादा आसान होता है. ठीक है, तो लास्टली क्या करते हैं, रिडक्शन करते हैं हम लोग, क्या बोलेंगे, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ मेटल ऑक्साइड इनटू मेटल बाय यूजिंग अ रिड्यूसिंग एजेंट. तो एक रिड्यूसिंग एजेंट यूज़ करते हैं ताकि जो मेटल ऑक्साइड है वो कन्वर्ट हो जाए मेटल में. यहाँ पे हमने क्या यूज़ किया है भाई? कार्बन यूज़ किया है. ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाता है और जो जिंक ऑक्साइड है वो जिंक में रिड्यूस हो जाता है. ठीक है, चलो. ऑल राइट, क्वेश्चन डिस्कस करने से पहले एक लास्ट चीज़ देख लो कि ये जो हमें रिडक्शन ऑफ मेटल, जो रिडक्शन मिला ना, जो हमें मेटल लास्ट में मिला है वो उतना प्योर नहीं होता है. तो लास्टली क्या करते हैं हम लोग, इस मेटल का इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं. उसके बारे में अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे कि आफ्टर रिडक्शन वी अंडरगो प्यूरिफिकेशन, जिससे हमको एकदम प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ मेटल ऑब्टेन होता है. ठीक है, बिफोर स्टडिंग दैट पहले हम लोग ये क्वेश्चन डिस्कस करते हैं. ठीक है, तो देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन. क्वेश्चन सेज गिव रीजंस व्हाई प्लैटिनम, गोल्ड एंड सिल्वर आर यूज्ड टू मेक ज्वेलरी. अब आपको पता है कि जितने भी आपकी ज्वेलरी होते हैं ना, जितने भी गहने होते हैं, हम लोग प्लैटिनम, गोल्ड या सिल्वर को क्यों यूज़ करते हैं? अभी हमने देखा कि किसी से भी रिएक्शन करा लो, ऑक्सीजन के साथ, वाटर के साथ, ये रिएक्ट ही नहीं करते. दे आर वेरी नोबल इन नेचर, वेरी नॉन रिएक्टिव. इसीलिए जो ज्वेलरी होती है उसके लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं? प्लैटिनम, गोल्ड और सिल्वर यूज़ करते हैं. तो क्या बोलेंगे, इसका आंसर क्या हो जाएगा? प्लैटिनम, सिल्वर एंड गोल्ड आर नॉन रिएक्टिव मेटल्स, सो दे आर यूज्ड टू मेक ज्वेलरी. ठीक है, खराब नहीं होते वो इससे. ठीक है, चलो ये फर्स्ट था. सेकेंड देखिए फटाफट से. सोडियम, पोटेशियम एंड लिथियम आर स्टोर्ड अंडर ऑयल. अभी हमने देखा कि भाई दे आर वेरी वेरी हाईली रिएक्टिव मेटल है ना, वो अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं या फिर वाटर के साथ क्या हो जाता है, आग लग जाती है, वेरी वायलेंटली रिएक्ट करते हैं. इसलिए हम इनको ऑयल में स्टोर करते हैं. क्या बोलेंगे सेकेंड वाले का आपका रीज़न क्या हो जाएगा? सोडियम, पोटेशियम एंड लिथियम आर हाईली रिएक्टिव मेटल्स है ना, इसलिए हम इनका जो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट है एयर से उसको ब्रेक करने की कोशिश करते हैं और हम उन्हें ऑयल या फिर केरोसिन या फिर ऐसे सब्सटेंसेस में इमर्स करके रखते हैं. ऑल राइट, थर्ड क्वेश्चन देखो क्या है. एल्यूमिनियम इज़ अ हाईली रिएक्टिव मेटल, येट इट इज़ यूज टू मेक यूटेंसिल्स फॉर कुकिंग. एल्यूमिनियम एक हाईली रिएक्टिव मेटल है, फिर भी हम लोग बर्तन जो कुकिंग के लिए हमें कुकवेयर यूज़ करना है उसमें एल्यूमिनियम क्यों यूज़ करते हैं? तो बेसिकली जो एल्यूमिनियम होता है ना, वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके Al2O3 की लेयर फॉर्म करता है. ठीक है, और ये जो Al2O3 की लेयर जो फॉर्म हो जाती है ना इस मेटल के सरफेस पे, वो उसकी फर्दर रिएक्शन को सप्रेस करती है या फिर हम बोलेंगे प्रिवेंट करती है. इसीलिए हम यूटेंसिल्स का के लिए हम एल्यूमिनियम को यूज़ करते हैं. क्यों? क्योंकि उसके ऊपर एल्यूमिनियम ऑक्साइड की एक प्रिवेंटिव लेयर फॉर्म होती है. ठीक है, चलो लास्ट देखो. कार्बोनेट एंड सल्फाइड ओर्स आर यूजुअली कन्वर्टेड इनटू ऑक्साइड्स ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन. अभी हमने देखा कि भाई कार्बोनेट और सल्फाइड से ज़्यादा बेटर होता है ऑक्साइड में कन्वर्ट करना, क्योंकि ऑक्साइड से मेटल को रिड्यूस करना आसान होता है. तो क्या बोलेंगे कि इट इज़ ईजियर टू रिड्यूस
metal from oxides, then sulfide or carbonate. ठीक है, चलो. सो नेक्स्ट टॉपिक है रिफाइनिंग ऑफ मेटल. होता क्या है कि रिडक्शन के बाद जो मेटल ऑब्टेन होता है ना, वो अपने प्योरेस्ट फॉर्म में नहीं होता है. सो टू ऑब्टेन दैट प्योरेस्ट फॉर्म, हम लोग इलेक्ट्रोलिसिस का यूज़ करते हैं ताकि मेटल्स को हम प्योरीफाई कर सकें. तो बेसिकली करते क्या है कि वी टेक अ कैथोड लेते हैं और एक एनोड लेते हैं. देखो कैथोड क्या होती है, कैथोड जो होती है वो नेगेटिवली चार्ज्ड प्लेट होती है, ठीक है, एक मेटल की रॉड होती है, और एनोड जो होती है वो पॉजिटिवली चार्ज होती है. क्या करते हैं हम लोग, जो जिस भी मेटल को मुझे प्योरीफाई करना है, सपोज करो मुझे कॉपर को प्योरीफाई करना है, ठीक है, सो कैथोड में वी विल टेक प्योर कॉपर, ठीक है, एक प्योर कॉपर की रॉड लेंगे, उसको हम नेगेटिव चार्ज से जॉइन कर देंगे तो वो कैथोड बन जाएगा, और एनोड जो होता है वो इम्प्योर कॉपर होता है, ठीक है. अब इन दोनों रॉड्स को हम लोग कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डिप कर देते हैं. सो जब इलेक्ट्रिसिटी पास करती है ना, जब हम लोग स्विच ऑन करते हैं, तो ये जो एनोड में से जो कॉपर के आयन्स होते हैं ना, वो इस कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में जाते हैं, और कॉपर सल्फेट से जो आपके जो कॉपर के आयन्स होते हैं, वो आयन्स जाके आपके प्योर कॉपर पे या फिर आपके कैथोड पे डिपॉजिट हो जाते हैं. तो इस प्रोसेस से जो इम्प्योर कॉपर है वो प्योरीफाई हो जाता है और वो कैथोड पे जाके डिपॉजिट हो जाता है. अब जो इम्प्योरिटीज़ हैं वो कहाँ जाती हैं, तो वो नीचे यहाँ एनोड मड के फॉर्म में डिपॉजिट हो जाती हैं. अब ये एनोड मड में बेसिकली जैसे कि दूसरे मेटल्स हो गए, प्लैटिनम हो गया, Ag हो गया, Au हो गया, जो दूसरे नॉन रिएक्टिव मेटल्स होते हैं, वो नीचे यहाँ एनोड मड के फॉर्म में जो इम्प्योरिटीज़ हैं वो ऑब्टेन हो जाते हैं, ठीक है. तो एनोड बच्चों बताओ क्या बनता है, एनोड आपका बनता है इम्प्योर कॉपर. कैथोड क्या बनता है, देखो प्योर कॉपर बनता है, लिख दो प्योर कॉपर. और इलेक्ट्रोलाइट कौन सा सॉल्यूशन लिया है हमने, यहाँ पे कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लिया है, तो यहाँ पे कौन सा लिया इलेक्ट्रोलाइट, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लिया है, ठीक है. आपको ध्यान क्या रखना है कि यहाँ पे जो कॉपर इम्प्योर मेटल, इम्प्योर कॉपर से जो कॉपर होता है वो थ्रू द सॉल्यूशन जाके कैथोड पे डिपॉजिट हो जाता है, और जो इम्प्योरिटीज़ होती हैं वो एनोड मड के फॉर्म में नीचे एक्यूमुलेट हो जाती हैं. तो एनोड मड को अगर लिखना हो तो क्या बोलेंगे, द इम्प्योरिटीज गेट डिपॉजिटेड एज एनोड मड, ठीक है. तो इस प्रोसेस को यूज़ करके हम किसी भी मेटल की रिफाइनिंग कर सकते हैं, इम्प्योर से प्योर ऑब्टेन कर सकते हैं, ठीक है. चलो ऑल राइट. सो नेक्स्ट टॉपिक है कोरोजन. कोरोजन क्या होता है आपको पता है, कोरोजन का मतलब होता है जब भी किसी मेटल की मॉइस्चर या फिर एयर के साथ रिएक्शन होती है तो उसका सरफेस जो होता है वो ख़राब हो जाता है ना, कोरोड हो जाता है. इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम लोग, कोरोजन बोलते हैं. जैसे कि जो आयरन होता है उसमें रस्टिंग हो जाती है, देखो यहाँ पर सिल्वर की प्लेट है उसमें देखो कैसा ब्लैक कलर ऑब्टेन हो जाता है, ठीक है. तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम लोग, कोरोजन बोलते हैं, ठीक है. तो बेसिकली जैसे हम एग्जांपल्स में क्या लिख सकते हैं, आयरन जो होता है, आयरन टर्न्स ब्राउन ड्यू टू रस्ट. रस्ट क्या होता है, आयरन ऑक्साइड होता है, ठीक है, आयरन ऑक्साइड होता है. दूसरा एग्जांपल आप लिख सकते हो जैसे सिल्वर होता है ना, सिल्वर टर्न्स ब्लैक ड्यू टू AgS, या फिर हम क्या बोलेंगे, सिल्वर सल्फाइड, ठीक है. तो
तो बेसिकली क्या होता है, आपका मेटल ख़राब हो जाता है, मतलब रस्टिंग या फिर करोजन इज़ नॉट अ वेरी गुड प्रोसेस फॉर द मेटल. तो क्या करना होता है हमको इस करोजन को प्रिवेंट करने के लिए, हम कुछ मेजर करते हैं. क्या करते हैं हम लोग, अगर रस्टिंग हो रही है, बेसिकली एयर के साथ कॉन्टैक्ट को हमको कट कर देना है, ठीक है, क्योंकि कोई भी मेटल जो होता है वो एयर के साथ ही कॉन्टैक्ट करके कोरोड होता है. तो अगर हम एयर मेटल के सरफेस को पेंट कर दें, उसकी ऑयलिंग कर दें, तो क्या हो जाता है, ग्रीसिंग कर दें या फिर हम उसका अलॉय फॉर्म कर लें, तो इन मेजर्स से हम लोग प्रिवेंशन कर सकते हैं कोरोजन का. तो क्या लिखा है इसमें कि पेंटिंग करने से, ऑयलिंग करने से, ग्रीसिंग करने से, गैल्वनाइजिंग करने से हम लोग क्या कर सकते हैं, मेटल्स के कोरोजन को प्रिवेंट कर सकते हैं. ठीक है, तो वही सब चीज़ें आपको थोड़ी सी ध्यान होनी चाहिए. लास्ट में एक बार देख लो अलॉयस क्या होता है. लास्ट टॉपिक है हमारे वन शॉट का ये. तो एक्चुअली अलॉयस क्या होते हैं, इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ मेटल, इट इज़ अ होमोजेनस मिक्सचर ऑफ मेटल. ठीक है, जब भी किसी मेटल की किसी मेटल या फिर किसी नॉन मेटल के साथ एक होमोजेनस मिक्सचर बनता है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, अलॉय बोलते हैं. जैसे ये आपकी स्टील की रॉड है ना, तो स्टील बेसिकली क्या होता है, स्टील फॉर्म होता है आयरन, निकल और क्रोमियम से. ऐसे ही दूसरा आपका अलॉय का एग्जाम्पल हो गया ब्रास. ब्रास किससे फॉर्म होता है, कॉपर और जिंक से. ठीक है, तो ये कुछ कुछ अलॉयज के जो एग्जाम्पल्स हैं वो आपको पता होने चाहिए. ठीक है, सो लास्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं हम लोग. क्या कह रहे हैं, व्हाई, गिव रीजंस व्हाई कॉपर इज़ यूज टू मेक हॉट वाटर टैंक्स एंड नॉट स्टील. आपको बताना है जो हॉट वाटर के टैंक्स होते हैं उसके लिए हम कॉपर को क्यों यूज़ करते हैं, स्टील को क्यों नहीं यूज़ करते. तो सबसे पहला तो इसका रीज़न हो जाएगा कि कॉपर इज़ अ गुड कंडक्टर. क्या बोलेंगे हम लोग, कॉपर इज़ अ, अभी हमने इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी देखी, इट इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट. और दूसरा इसका रीज़न क्या हो जाएगा बच्चों, कि कॉपर इज़ लेस रिएक्टिव, है ना, कॉपर की रिएक्टिविटी बहुत कम होती है, तो इसलिए हम लोग कॉपर को यूज़ कर सकते हैं हॉट वाटर टैंक्स बनाने के लिए. ठीक है, सो दिस ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ दिस वन शॉट रिविजन. आई होप ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूजफुल रही होगी, आपके कई सारे डाउट्स क्लियर हुए होंगे. इस वीडियो में हमने वन बाय वन सारे टॉपिक्स डिस्कस किए हैं और जो कुछ इंपॉर्टेंट रीजनिंग वाले क्वेश्चन थे ना वो डिस्कस किए हैं. ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.